एक्सरसाइज एक्सरसाइज वन प्रश्न नंबर एक एक दो दो तीन 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 का डाउट है क्या हुआ इसमें तीन डाउट है क्या तीन 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 चार चार को ध्यान से देखो मास पास पास आ जाएगा उससे छोटी छोटी तो बनेंगी बड़ी बड़ी बनना पॉसिबल तुझे मेरी बात समझ नहीं आया तो वो छोटे छोटे तो छोटी छोटी एक्सिस के पास आएंगे दूर पास आएंगे तो आर छोटा होगा बड़ा छोटा बड़ा तो आर छोटा होगा तो डिक्रीज कर जाएगी फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ सिक्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क अबाउट इट डायमीटर इज टू यूनिट A rigid body in shape of a triangle has VA equals to 5 meter per second down, VB equals to 10 meter per second down. Find log. ये कहाँ से सवाल आया ये? ये कौन सा rigid body है? Moment of inertia कहाँ से है? ठीक है गलती से आया होगा. Rigid body in shape of a triangle has VA equals to 5 meter per second. VA equals to 5 meter per second down. VB equals to 10 meter per second down. Then find the velocity of point C. Basically, rigid body पे सवाल दे दिया है उसने और कुछ नहीं है ये 10 मीटर पर सेकंड डाउन तो rigid body अगर है तो इसके रिस्पेक्ट में जो इसकी ओमेगा होगी वही इसके रिस्पेक्ट में इसकी rigid body है ना तुझे मेरी बात समझ ओमेगा से करते हैं थोड़ा आसानी से हो जाएगा अरे भाई हाँ ना बोले यार देखो गड़बड़ तो नहीं कर रहा हाँ सब सही लग रहा देख इसके रेस्पेक्ट में ये साइड कितनी है ए तो देख अगर इसके रेस्पेक्ट में देखो तो इसकी ओमेगा है अगर ये पॉइंट कौन सा है ए ये कौन सा है बी ये कौन सा है सी तो व्हाट इज द ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए दैट इज 5 बाय ए दैट इज 5 बाय ए मुझे लगा है तो मैं आया रिजिड बॉडी का जो ओमेगा होती है बी परपेंडिकुलर रेडियो बाय आर बी परपेंडिकुलर रेडियो बाय तो बी परपेंडिकुलर रेडियो क्या हुआ 10 माइनस 5 5 बाय ए क्या हुआ तो ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज 5 बाय ए ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज 5 बाय ए बोलो क्लियर है एकदम 5 बाय ए बहुत बढ़िया साहब तो 5 बाय ए हो गया अब अगर ये 5 बाय अब तो ओमेगा ऑफ ए ओमेगा ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए भी क्या होनी चाहिए 5 बाय मतलब 5 बाय ए तो ओमेगा ऑफ इसके रिस्पेक्ट में अगर अपन देखें तो इसके रिस्पेक्ट में जो इसका कंपोनेंट होना चाहिए मान लेते हैं कि इसका कंपोनेंट इधर और इसका कंपोनेंट इधर और इसका एक कंपोनेंट इधर और इसका एक कंपोनेंट इधर वाला जो भी इसका इधर वाला कंपोनेंट आएगा वो कभी भी चेंज क्योंकि उनके बीच की दूरी चेंज मुझे लगा है तुम्हें आया तो देख अगर अपन बहुत ध्यान देंगे तो 5 का इधर कंपोनेंट ये एकल कितना है 45 तो ये भी कितना है 45 तो मेरे हिसाब से ये वाला जो कंपोनेंट है ये और इसका ये वाला इसका ये थोड़ा और आसानी से कर सकते हैं अपन इसके रिस्पेक्ट में लिखे तो आसान आ जाएगा इसके रिस्पेक्ट में नहीं टूटा ओमेगा ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ये भी तो यही आनी चाहिए है ना तो और 10 सही है सी आंसर आ रहा है क्या आंसर क्या छठे का क्या आ रहा है हाँ सही देखो इस पर बैठकर इसको देखोगे तो इसका तो कोई भी परपेंडिकुलर नहीं है इसका भी परपेंडिकुलर ये है मान लो अरे तुम्हें नहीं आया जब हम इस पर बैठकर इसको देखा तो ये ऐसे घूम रहा था मुझे लगा है तुम्हें आया तो ये वाली इसके पे बैठकर इसको देखो तो v परपेंडिकुलर बाय a इज v परपेंडिकुलर बाय a इज दिस तो वापस ध्यान से तो v परपेंडिकुलर वाली भी आ गई 5 तुझे मेरी बात समझ भाई अगर अपन ओमेगा ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू b देखेंगे ओमेगा ऑफ c
विद ओमेगा ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी देखेंगे तो वो होनी चाहिए, जेड सी बात है वो वापस 5 बाई ए होनी चाहिए, और ध्यान से देखो तो वो है बी परपेंडिकुलर बाई ए, तो बी परपेंडिकुलर कितना आ गया 5। अरे कितना आ गया? कोई बुरे वाली बात मुझे लगा है तुम्हें आया 5। ध्यान करेक्शन हो सकता है क्योंकि सवाल नए हैं, ये नहीं बनी है शीट इस बार वापस। तो 5 बाई ए तो बी परपेंडिकुलर ही आ गया, पहले था जो बोला चमका यार मुझे लगा है तुम्हें आया। अच्छा ध्यान से देखो तो अगर ये टूटना नहीं है तो इसकी वेलोसिटी अगर अलोंग द दिस लेंथ 10 है तो इसकी भी क्या होगी 10, तो इसकी वेलोसिटी आएगी 5 और 10, कितनी आएगी 5 और 10, कौन सा आंसर है? अच्छा डी भी तो हो सकता है भाई, इधर 5 इधर आएगा ना अपन, इसने x इधर लिया है तो -5 और नीचे इसने 10, बिल्कुल सही है, तो अपना इधर आया ना 5, तो +5 -5 उसने देख x इधर लिया है। अरे भाई यहाँ ना बोले मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, सी इज द करेक्ट आंसर। और ये बेसिकली प्रॉपर्टी किसकी बेस्ड है? रिजिड बॉडी। कौन सी बॉडी यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। सातवा काम वाम करते हो घूमने आए हो, आठवा नौवा टेन हाँ सेक्शन एक्सरसाइज 2 सेक्शन ए डी कैसे दे दिया होगा? अच्छा पहले कोई बात नहीं, तो सेक्शन 2 का ये कर लो पहले, मरो मत। सेक्शन 2 प्रश्न नंबर 1, सेक्शन 2 प्रश्न नंबर 1, 2 3 अरे 3 अरे 3 अरे 4 5 6 अरे आवाज नहीं आई 6, कौन सा डाउट है? 6 थर्ड डाउट है, ये थोड़ा सा डायग्राम और अच्छा बना होना चाहिए था। इसमें देखो तो पी क्यू क्यू आर से लंबा है, पी क्यू क्यू आर से, अब ध्यान समझना इधर देख, लंबा का मतलब बड़ा ही होता है, नशे में रहेगा तो ऐसी बातें करेगा। Moment of inertia of a rectangular plate about an axis passing through P and perpendicular to the plate is I, then moment of inertia PQR about an axis perpendicular to the plane of the plate is, ध्यान समझना। इसका मतलब है इसके अबाउट I है। अब ध्यान देख, क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट सेम है? Yes, नहीं, अगर सेम होता तो I by 2 होता, सेम नहीं है। ध्यान से देख तो इस वाले ट्रायंगल जो ऐसे जा रहा है इसका मास दूर बिखरा हुआ है, और इस वाले का मास, तुझे नहीं समझ आया? नहीं आया? लॉजिकली सोचे तो ये वाला जो जो इस एक्सिस से सोचो तो ये वाला ट्रायंगल जो इधर लंबा फैल रहा है यार मुझे लगा है तुम्हें आया, इसका मास दूर बिखरा हुआ है कि पास, और इसका किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा? ऊपर वाले का। इसका मतलब क्या, वो आई बाय 2 से, और नीचे वाले का आई बाय 2 से। एक और लॉजिक से समझाता हूं, इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा देख, आईसीयू है, एक्सिस थ्योरम से यहां पे शिफ्ट करोगे तो इसमें लिखोगे आईसीयू एम प्लस एमडी वन स्क्वायर, और इसमें लिखोगे आईसीयू एम प्लस जेड सी बात है, डी वन ज्यादा है तो क्या पहले वाला ज्यादा होगा और दूसरे वाला, तो मैं दूर दूर तक मेरी बात समझ, अरे आई की नहीं आई, अरे सोच लो कहां पहुंचे। बोलो थर्ड क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत है? कुछ तो बोलो। बिना काम क्या आए हो? फोर्थ कहां से हो जाएगा तुमसे औकात ही नहीं तुम्हारे। अच्छा भाई मैं सोचूंगा ना साला यार, पूरी क्लास बोल रही हो गया मैंने कहा अच्छा तुमने बता दिया नहीं तो मैं सदमे में आ जाता। छठा सातवा सोच लो, सातवें में कोई बुराई? अरे हाँ ना बोल। आठवा अरे आठवा
अरे नवा, अरे नवा, अरे नाइन, अरे टेन, अरे टेन, सोच लो, कोई बुराई नहीं है। लेवल टू सेक्शन ए, किसका? हाँ, लेवल टू प्रश्न नंबर एक, प्रश्न नंबर एक, एक ही है। हाँ, एक्सरसाइज थ्री लेवल वन, एक, दो, तीन, तीन, सब हो गया।